ओके हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सोलर एवरीडे। और आज इस वीडियो में हम एक हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं अपने फ्रेशर फ्रेंड्स के लिए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसका बहुत बड़ा पार्ट है सोलर, उसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ मेरे फ्रेंड नीरज शर्मा है, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों एक साथ सोलर डिवीजन में ही काम कर रहे हैं। तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे और कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी मार्केट में है वो हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एज अ फ्रेशर आप ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे सोलर सेक्टर में आ सकता हूँ, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ आप निकाल दो कि आपको कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम देना होगा या आपके मार्क्स या ग्रेड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस चीज़ के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आप एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो अभी से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपने बेसिक फंडामेंटल सोलर में, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे काम करता है सोलर, क्या है, क्या चीज़ है, क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां इसमें है, उस चीज़ के बारे में आप पता करो। एक्चुअली वहाँ से मेरे अकॉर्डिंग ये मार्केट ऐसे से अभी सोलर का इमर्जिंग मार्केट है, तो काफ़ी फ्रेशर्स के माइंड में बहुत क्वेश्चन भी होते हैं कि व्हाट शुड हैव डू, कि आफ्टर बीटेक क्या करना है, ब्रांचेस की स्पेसिफिक फील्ड के लिए कौन सी ब्रांच हमें यूज करनी है। एग्जैक्टली। बट इन सोलर के देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग्स कि आप इस ब्रांच में इलेक्ट्रिकल में है या फिर मैकेनिकल में है तो आप इसमें परस्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये डाउट भी क्लियर होता है। हाँ, ब्रांच का कोई कंपल्सन नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो तभी सोलर में आप आ सकते हो। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, अगर आपको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे हम क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, तो आप किसी भी ग्रेजुएशन करने के बाद इसमें आराम से एंट्री आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं अलग अलग ब्रांच से, अगर वो सोलर इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सोलर को। मैं ऐसा करता हूँ, तीन अलग अलग डोमेन्स में मैं ब्रेक करना चाहता हूँ कि अगर आप सोलर में आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो नॉलेज होनी चाहिए वो एक डिज़ाइन की होनी चाहिए कि सोलर प्लांट में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, कौन कंपनी बना रही है। दूसरा, इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है इंस्टॉलेशन का कि हाँ भाई अब तो डिसाइड हो गया सोलर प्लांट लगना है, अब उसको कैसे लगाया जाए, कौन सी चीज़ कहाँ लगाई जाती है, किस एंगल पे लगाई जाती है, किस तरीके से लगाई जाती है, इसकी नॉलेज। फिर तीसरा पार्ट होता है सोलर में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कि भाई प्लांट तो अब लग गया, प्लांट जितना पैसा लगा के हमने लगाया है उसका पे बैक हमें मिले, तो उसके लिए हमें उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये तीन अलग अलग डिवीजन है, तीन अलग अलग ब्लॉक्स है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर आप एक MBA स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मैं सोलर सेक्टर में अपना करियर बनाऊँ, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो नीरज आपको बताएंगे। तो बेसिकली फ्रेंड, जैसे हिमांशु ने आपको बताया कि देयर इज नो बेसिक रिक्वायरमेंट इन सोलर फील्ड, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या MBA ग्रेजुएट हैं या फ्रेशर हैं। बेसिक थिंग्स आपको पता होना चाहिए कि सोलर मार्केट अभी है क्या, इंडिया में क्या इसमें काम चल रहा है, किस लेवल पर इंडिया वर्क कर रहा है, वर्ल्ड में इसकी टेक्नोलॉजी किस बेसिस पे है। तो एज अ फ्रेशर की आप वर्किंग स्टार्ट वर्किंग सोलर, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको स्टार्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोलर, क्या है सोलर में। तो जहाँ सोलर प्लांट लगता है, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज साइट सर्वे। साइट सर्वे जो हम करते हैं, तो मेन पॉइंट ऑफ सोलर कि सोलर जहाँ लगना है वो एरिया कैसा है। तो एक बेसिक फ्रेशर बंदे को या फर्स्ट पर्सन जो स्टार्ट करता है सोलर में, उसे पता होना चाहिए कि साइट सर्वे इज द मेन फर्स्ट स्टेप टू द सोलर फील्ड। क्या आपको पता होना चाहिए कि सोलर आप कहाँ लगा रहे हो, उस जगह का कैसा एरिया है, क्यों लगा रहा हूँ उसमें, क्यों इसका बेनिफिट क्या है साइट सर्वे का, तो उसे पता होना चाहिए। इसके लिए देयर आर सो मेनी कोर्सेज, आई थिंक हिमांशु, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड नॉर्थ रीजन। बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, MNRE, जो कि 2 वीक्स या 3 वीक्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है और ये पेड सर्विस होती है। तो इसमें अराउंड लास्ट टाइम जैसा मुझे मालूम है, मैं देख रहा था, इट वॉज अराउंड 30,000 2 वीक्स का प्रोग्राम था, जिसमें आपको डिजाइनिंग के बेसिक्स, 2 साइट सर्वे और कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो चीज़ सिखाया जाता है। मगर अगर आप एक अच्छा थरो कोर्स करना चाहते हो, तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट दिल्ली में हैं जो कि फिजिकल क्लास के अलावा आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इनके बारे में अगर कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो लिंक और डिस्क्रिप्शन, हमसे कॉन्टैक्ट करने का लिंक्डइन का और हमारे कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रिप्लाई करो, हम आप तक ज़रूर इस चीज़ को पहुँचाएंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स लाइक जैसे
सूर्य मित्र कोर्सेज है उनके लिए, जैसे जो बच्चों लड़के डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज किए हैं, तो दे कैन ज्वाइन सूर्य मित्र कोर्स, जिसके थ्रू सोलर में स्टार्ट कर सकते हैं। दे कैन गेट द नॉलेज कि क्या इंस्टॉलेशन पार्ट है, क्या डिजाइनिंग पार्ट है। उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। आई थिंक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ ओपन की थी जिसका नाम है SCGJ, उसका मतलब है सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स। इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, इसमें सोलर भी एक ग्रीन जॉब्स के अंदर सेक्टर आता है। इसमें ब्यूटी सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर, तो उसी तरह सोलर भी इसका एक पार्ट है। तो इसके अंदर सोलर की ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें कि जो लोग एक्सपीरियंस ऑलरेडी सोलर में है, जैसे कोई कोई टेक्नीशियन ने इंस्टॉलेशन में 5-6 साल काम कर लिया है या 2 साल भी काम किया है, तो वो इस ट्रेनिंग को कर सकता है, जिसके थ्रू वो एक एक्सपर्ट बन जाएगा। गवर्नमेंट उसे सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट देगी, जिसके थ्रू वो किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट को एक्वायर कर सकता है, और उसके बाद वो और इंडस्ट्रीज के और पर्सन जो फ्रेशर आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे सकता है। तो दीज आर द प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एज अ फ्रेशर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस जॉब के लिए किसी प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिज़ाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो सोलर में, तो अभी मार्केट बहुत बड़ा है। अभी जस्ट बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां आ रही हैं इन बड़े बड़े शहरों में प्लांट्स लगाने के लिए, बहुत सारे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, सरकार बहुत सारी नई नई स्कीम्स निकाल रही है इनको लगाने के लिए। तो अभी मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इवन आई थिंक ओडनम जो डिपार्टमेंट है वो एक तरह से सोलर का इमर्जिंग सेक्टर निकल के आ रहा है, कि प्लांट तो लग चुके हैं लेकिन अब उनकी जनरेशन और क्लाइंट को क्या सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, तो वो जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओडनम एक मेजर पार्ट है, जिसके थ्रू आई थिंक फ्यूचर में बहुत सारी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ओडनम को इंश्योर करने के लिए कंपनियां अब नया अपना डिवीजन एक्वायर कर रही है, नया डिवीजन सेटअप कर रही है, जिससे वो नए ओडनम सेक्टर को खोल सके। तो देयर अपॉर्चुनिटीज आल्सो इन ओडनम, तो आई थिंक फ्यूचर इज टोटली फॉर सोलर डेडिकेटेड पर्सन। अवेयर रहना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस है अभी इस टाइम की, कि अगर आप अवेयर रहोगे कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, जस्ट इन केस अगर आप डिजाइनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चुनो, या नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो कि मेरे लिए सबसे बेटर कोर्स कौन सा रहेगा। तो डिजाइनिंग में सबसे पहले एस्पेक्ट आता है साइट सर्वे, जैसा कि नीरज ने बताया। साइट सर्वे में आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि हाँ अगर मैं साइट पे पहुंचा हूँ छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि हाँ इस घर का डायरेक्शन सन की तरफ है या नहीं, किस एंगल पे लगना चाहिए, रूफ टॉप एरिया कितना होना चाहिए, क्लाइंट का लोड कितना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो आप इधर उधर सर्च करके पता कर सकते हो, या किसी कोच के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूट की तरह। आई थिंक गूगल में भी आज आप सर्च मारेंगे, गूगल पे भी आपको मिल सकता है। आई थिंक आप गूगल आपको शो कर देगा कि एक सर्वे में व्हाट यू आर बेसिक नीड, आप डायरेक्शन देखते हो कि सोलर किस डायरेक्शन में है, कोई शेडो एरिया देखते हो, कोई ट्रीज नियर बाय है, तो यू हैव टू मार्क और बेस्ट साइज सर्वे के लिए क्या क्या बेसिक थिंग्स है। इवन आई थिंक मार्केट में आकर इतने इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, कोई हाइट हेट ऑब्जेक्ट आप नहीं मेजर कर सकते किसी हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स को, तो दे आर लॉट ऑफ जो बॉश कंपनी या कुछ कंपनीज के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे आप हाइट को एक जगह खड़े होकर उसकी हाइट मेजर कर सकते हो, उसका एंगल देख सकते हो, सोलर का एंगल देख सकते हो। इवन टुडे फोन में भी कंपास आता है, तो फोन में भी कंपास आता है, चेक कर सकते हो कि ट्रू साउथ जो है साइट का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड GPS लोकेशन सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगा, आप साइट सर्वे करने जा रहे हो, तो आप शैडो एनालिसिस, कौन सा इक्विपमेंट क्या साइज का होता है, क्या वेट का होता है, कैसा रखना जाएगा, तो आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आप एक डिज़ाइन का कोर्स करते हो तो आपको कम से कम बेसिक्स क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं साइट सर्वे करने जा रहा हूँ सोलर प्लांट का, तो मुझे ये चीज़ देखनी है ताकि फिर मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, ओ ये चीज़ तो मैं देखना भूल गया, अब तो मेरी कंपनी का लॉस हो गया। तो आपका जब बेसिक्स क्लियर रहेगा तभी ये चीज़ आप कर पाओगे। और अब जब हम साइट सर्वे अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये तो हो गया आपका डिज़ाइन से रिलेटेड नॉलेज, अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर आता है डिज़ाइनिंग में, अगर आप डेस्क जॉब करना चाहते हो तो ऑटो कैड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटो कैड आपका हाथ उतना साफ होगा। आई थिंक टुडे बहुत सारे मार्केट्स में कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो ये प्रोग्राम करवा रही है। आई थिंक 4 से 5,000 फीस पर मंथ होती है। यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कमांड्स जो आप लर्न कर लेते हो, देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कि आप इजीली कोई भी लेआउट, कोई भी ड्राइंग विद शैडो एनालिसिस, विद जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सोलर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जस्ट इन केस अगर आप 5 किलोवाट का प्लांट लगाते हो
और आपका क्लाइंट पूछता है कि मेरी साल भर में कितनी बचत हो जाएगी, तो सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे पीवी सिस्ट है, पीवी सोल है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने प्लांट की डिटेल डाल के कि क्या कैपेसिटी है, कौन से इक्विपमेंट किस कंपनी के किस रेटिंग के मैंने लगाए हैं, तो वो साल भर का आपको एनालिसिस करके देता है कि साल भर में आप इस इक्विपमेंट पे और इन कंडीशंस पे आप इतना जनरेशन आपको मिलेगा। तो ये भी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग आपको कुछ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, जो हम आपको इस वीडियो के लिंक में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट इन केस आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहो तो हमारे लिंक्डइन का लिंक इस पे दे रखा है, आप उस पे क्लिक करके हमारे इनबॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली रीच यू। तो अब अगर हम थर्ड स्टेप पे आ जाएं, जो कि है इंस्टॉलेशन पार्ट, तो ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है कैसे आपने साइट सर्वे कर रखा है। तो जब इंस्टॉलेशन पे पार्ट पे आते हैं, अगर आप इंस्टॉलेशन एज एन इंस्टॉलेशन इंजीनियर आना चाहो, तब आप स्टार्ट कर सकते हो किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी के लिए। अब क्योंकि वो नए नए फ्रेशर इंजीनियर्स ढूंढ रही होती है एक रीजनेबल रेट पे, कि अगर आप ज्वाइन करते हो आपको स्विच गियर और बेसिक इलेक्ट्रिकल सोलर से रिलेटेड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हार्ड कोर नॉलेज इलेक्ट्रिकल की नहीं भी है तो कंपनी क्या करती है, आपको एज ए इंस्ट्रक्टर रखती है और एक थर्ड पार्टी INC कंपनी को हायर कर लेती है, जो कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये आपकी टोटल हेल्प करती है इंस्टॉलेशन में। आपका काम सिर्फ और सिर्फ एज एन इंजीनियर रहता है सुपरविजन का, अपनी कंपनी को रिपोर्ट करना कि हाँ डेली इतना काम हुआ, इतने सोलर पैनल लग गए, इन्वर्टर इंस्टॉल हो गया, आज क्लाइंट से ये बात हुई। तो इसके लिए भी लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सोलर प्लांट की। अगर नीरज आप इसके बारे में कुछ बताना चाहो तो आई थिंक इंस्टॉलेशन इज द बेसिक मीन्स, जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस पूरे सब्जेक्ट का इंस्टॉलेशन, क्योंकि इंस्टॉलेशन क्या है, मॉड्यूल्स, अगर हम बात करें मॉड्यूल्स की तो दे आर वेरी फ्रेजाइल, अगर हल्का सा भी आपके से गलती हुई तो दे कैन ब्रोक। और इवन वन मॉड्यूल की जो मार्केट में जो उसकी प्राइस आई थिंक आप उसे नहीं परचेस करते हो कि सिंगल मॉड्यूल आप मार्केट में लेने जाओ, तो जो कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ जो प्रोजेक्ट लगाती है वो बल्क में मॉड्यूल खरीदती है। तो अगर आप इंस्टॉलेशन पार्ट से या साइट पे आप देख रहे हो तो आपको आपका प्रिकॉशन होना चाहिए कैसा मॉड्यूल को अपने मटेरियल को सेफ रख सको, उसको चोरियों से बचा सको, या ये आर द बेसिक थिंग्स की अगर आप साइट पर वर्क करते हो। इसी वजह से कंपनी आपको समझती है कि हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट द वर्क। और जैसे कि सोलर में आजकल मार्केट में सो मेनी कंपनीज है, बताया जाए हिमांशु ने बहुत कंपनीज है, ये कंपनियाँ इसी में फाइट करती है कि किस कंपनी का वर्किंग स्टाइल कैसा है, उसका साइट का इंजीनियर कैसा है, कोऑर्डिनेशन विद क्लाइंट्स कैसे हैं, एग्जैक्टली अपना मटेरियल के लिए कितने वो कितने उसको रखते हैं संभाल के, और कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं, दीज आर द थिंग्स ऑफ कॉस्ट कटिंग। अगर आप सिंगल इवन सोलर में जो छोटे छोटे चीजें होती है, आई थिंक हर फील्ड में ऐसा होता है कि आप जितनी छोटी छोटी चीजों को मेंटेन रखेंगे उतना भी कॉस्ट कटिंग होती है। दिस इज द बेसिक फैक्टर इन द सोलर कि कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। तो कॉस्ट कटिंग की अगर बात आ गई है, तो अगर आप किसी डिजाइन इंस्टीट्यूट में परस्यू करने जाते हो सोलर के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आपको कॉस्ट रिलेटेड भी BIQ जो बिल ऑफ क्वांटिटी एक पूरे प्लांट का बनता है, जो क्लाइंट से साइन होता है कि हाँ ये चीज़ हम आपको बेच रहे हैं और यही चीज़ हम प्लांट में लगाएंगे, तो वो भी वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप किसी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में इसको परस्यू करते हो, तो कौन सी चीज़ कितने की मार्केट में आ रही है, किस रेटिंग की लेनी है जो क्लाइंट के लिए सूटेबल होगी, किस कैटेगरी की आती है, बहुत अलग अलग क्वालिटी में आती है, A क्लास B क्लास C क्लास, क्या हम ऑफर करते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना, क्योंकि कॉस्टिंग भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। जितना अच्छा कॉस्ट आप क्लाइंट को दे पाओगे, उतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप अपने कंपनी के लिए निकाल पाओगे, तो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। तो वही बेसिक मेरा ये मानना है कि सोलर जो फील्ड है इसमें जो बेसिक हमने चीज़ें डिस्कस करी है लाइक साइट सर्वे फॉर फ्रेशर्स, अगर आप मार्केट में आगे बढ़ चुके हैं, आपको 1-2 साल हो चुका है, तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ मार्केट कि मार्केट में क्या चीज़ है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग की अगर आप इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, तो यू शुड नॉलेज था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और गवर्नमेंट उसमें क्या काम कर रही है, लाइक सब्सिडी या गवर्नमेंट दे रही है तो पता होना चाहिए आपको कि स्टेट वाइज सब्सिडी क्या है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या बेनिफिट दे रही है। ग्रीन पावर आजकल गवर्नमेंट ने मोटिव बनाया है कि जो लोग ग्रीन पावर यूज करते हैं उनको ये सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाइंट्स को आप बता सकें कि ये बेनिफिट्स हैं। सोलर में गेन या आगे बढ़ने का जो बेसिक थिंग्स तुमने डिस्कस करी है वो यही है कि साइट सर्वे आपको अच्छे से आपको आना चाहिए, सेकंड थिंग आपका मार्केट नॉलेज आपको होना चाहिए, डिजाइन की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको जो भी अगर आपको अच्छे कोर्सेज आप करने तो आप कर सकते हैं उसके लिए डिजाइन के बाद। थर्ड थिंग इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ मच यू आर बेटर, दीज आर थिंग्स। इसके आगे अगर हम देखते हैं कि सोलर प्लांट में क्या होता है, कि हमने प्लांट का साइट सर्वे कर लिया, हमने प्लांट लगा भी लिया, क्लाइंट से जो प्रॉफिट था वो भी कर लिया, लेकिन अब सोलर प्लांट से हमें बेनिफिट निकालना है,
तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग रन में सोलर प्लांट का मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि सोलर प्लांट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट होता नहीं है, तो इसमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनकी लाइफ टाइम वारंटी बहुत बहुत बढ़िया और फिजिबल रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, हम इसका रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं। तो मार्केट में जो वर्ड बना हुआ है इस चीज़ के लिए है, उसका नाम है ONM, जिसका फुल फॉर्म है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसमें भी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी पे हम नहीं जाते, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें वोल्टेज टेस्ट करना है, करंट टेस्ट करना है, तो हम फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, करंट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, अर्थिंग टेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो आप नेट पे चेक कर सकते हो। मेरे भी कुछ वीडियोज़ हैं जो आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। और किसी भी स्टार्टअप कंपनी में जाके आप बेधड़क होके अपना इंटरव्यू दे सकते हो कि सर आई हैव दिस बेसिक नॉलेज और मैं बहुत साउंड हूँ इन सब चीज़ों को लेके, और आई कैन ट्रूली ज्वाइन योर फर्म, और आपको मतलब लॉन्ग रन में मेरे प्रोफाइल के थ्रू आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये तीन पार्ट्स में मैंने जो सेग्रीगेट किया था, मैंने आपको अपने पॉइंट शेयर किए हैं, जो कि आपका साइट सर्वे से डिज़ाइन से रिलेटेड हो गया, देन इंस्टॉलेशन जो नीरज ने आपको बताया, और फिर उसके बाद ONM का पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट हैं और ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 2020 तक हमें 175 गीगावाट से ज़्यादा का टारगेट अचीव करना है, जो कि अभी 30% भी अचीव नहीं हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। आप कुछ कहना चाहोगे नीरज? आई थिंक अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है फ्रेशर्स। आई थिंक इंडिया में इंजीनियर्स यूथ कंट्री है, सो मैनी इंजीनियर्स फ्रेशर अवेलेबल इंडिया में, बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर टेक्नीशियन अवेलेबल हैं। दे हैव द स्किल बट दे हैव नॉट प्रॉपर पार्ट की कहाँ वो एग्जीक्यूट करें। तो सोलर इज द बेस्ट पार्ट कि आप इसमें आइए। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर सोलर। यहाँ पर हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं, कोल एनर्जी को कितना कम से कम यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो बेस्ट है कि सोलर में आप आगे अपना करियर परस्यू करें। बेसिक थिंग्स के लिए, नॉलेज के लिए आप कोई लोकल में कोई इंस्टीट्यूट या कोई एक डिजाइन सेंटर अपने लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। आप बेटर तो ये रहेगा कि बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप बिना टाइम वेस्ट किए आप इन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी स्टार्टिंग में सोलर डिज़ाइन से रिलेटेड एक कोर्स कर रखा था, जिससे मेरे बेसिक्स, फंडामेंटल और जो भी मेरी क्वेरीज थी वो मैंने वहाँ पर कवर अप की थी। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो वो चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप रिमार्क मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे थ्रू माय लिंक्डइन और यूट्यूब कमेंट्स, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ तक मैं आपको गाइड कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड सोलर से भी कोई, अगर मैं प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करता हूँ तो वो भी आपको मैं लिंक अपना चैनल का आपको डाल दूंगा, आप इसमें देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हो। ये बेसिक थिंग्स चैनल की, कैसे हम किलोमीटर यूज करते हैं, अर्थिंग कैसे यूज करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे यूज करते हैं, हाउ टू बेसिक थिंग्स जो हम करते हैं इलेक्ट्रिकल से, बिकॉज टोटल स्टोरेज है टोटल इलेक्ट्रिकल पर। एग्जैक्टली कैसे आप सेफ्टी कर सकते हैं, मैन पावर सेफ्टी हो गया, इक्विपमेंट सेफ्टीज हो गया, हाउ टू यूज ऑल द डिवाइसेस। ओवरऑल बस इतना है कि अल्टीमेटली पैशन और डिसीजन आपका ही है। अगर आप चाहते हो कि मुझे हाँ इस सेक्टर में उतरना है, तो आप ही हो जो आपकी ही अपने आप की मदद कर सकते हो। तो जब तक आप एक स्टेप नहीं लोगे तब तक आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। और ये कंसेप्शन आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरा मुझे कोई एग्जाम देना पड़ेगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या मतलब मैं नहीं कर सकता। अगर आप चाहोगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आई थिंक फियर फैक्टर यहाँ पर आपको हटा देना चाहिए बिल्कुल। एग्जैक्टली फियर तो है ही नहीं, मार्केट इतना बड़ा है, इतने कंपटीशन है, इतना लोगों के पास अवेयरनेस है, पूरा डेवलप हो रहा है मार्केट। यू कैन डू एनीवेयर, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक कहीं भी आप जाएंगे, दे टोटली फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द एरिया। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल डेफिनेटली पब्लिश अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।